हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ राशन लेने। पांडे जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो बच्चों के साथ घर पे हैं। मैं सामान लेने आ गई लेकिन एक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना बैग दोनों नहीं लाई जिससे मैं ले जा सकती थी सामान। उनको डिस्टर्ब नहीं करना होता। अगर यहाँ पे अच्छा बैग देंगे तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते हैं तो फिर मुझे उनको फ़ोन करना पड़ेगा कि आप आइए और ले कर चलिए, क्योंकि मैं नहीं ले जा पाऊँगी। फिर ये मैं डीमार्ट आई हूँ, फिर मैं यहाँ से अपना सामान लेती हूँ। धूप बहुत है, आगे मैं देखती हूँ कि क्या होता है। तो चलती हूँ मैं अपना राशन लेती हूँ। ये लोग हैं चेकिंग के लिए। हेलो यहाँ से मैं अपना सामान लेना स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैं उठाती जाऊँगी और कुछ कुछ देखती भी जाऊँगी, क्योंकि कुछ लिस्ट में है, कुछ विदाउट लिस्ट है। ये बाय वन गेट वन है तो मैं कितने का 50 रुपये का मैं तो ले लेती हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए। एक ग्रीन और एक ऑरेंज, रेड में पर्पल ले लेती हूँ, ग्रीन और पर्पल। यहाँ से मैं पहले कॉफ़ी ले लेती हूँ। नेस्कैफे नहीं लेती हूँ क्योंकि वो बहुत कड़वा लगता है। हाँ वो तो लानी पड़ेगा, ये भी तो वही है। ये ले लेती हूँ मैं, ये एक ले लेती हूँ। ये वेमो वेदू के लिए लोटो चोको पाई। ये मैं चावल लूँगी उसको। चावल लास्ट टाइम लेके गई थी, बहुत अच्छा था बच्चों के लिए। राइस वाटर बनाने के लिए इजी रहता है। तो दोनों है मेरा, वो भी है, ये चावल के भी, वो भी है मेरा ही। ये बाई वन गेट वन है पर मैं एक ही लूँगी, पनीर बटर मसाला। हम लोग इतना ग्रेवी नहीं खा पाते हैं तो एक ही लेंगे भाई। किसान एरियल ये है, सर्फ एक्सेल में है, एरियल ले लेती हूँ। ये वेमो वेदो के लिए मैं माजा ले ली हूँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 93 में मिला है पूरा, तो मैं ले ली हूँ। डैडी के लिए फेंटा, ये लोग इतना पीते रहेंगे। ये वेदू वेमो का एक सिपर टूट गया, एक ही है तो ये एक और ले रहे हैं, जिसमें दोनों भाइयों का काम हो जाता है। दो ढो रहता है तो, क्योंकि साथ में पीने लगते हैं तो दिक्कत होता है। ये मैंने चीज़ और अमूल का 2 लीटर दूध भी ले लिया, क्योंकि पांडे जी को जाना नहीं पड़े, इस वजह से मैं यहीं से लेते जा रही हूँ। राशन लेने आई थी, सब कुछ ले रही थी लेकिन दाल ही, तुअर दाल ही भूल रही थी, जो बच्चे वेदू को और वेमो को खिलाना ज़रूरी है। आज पता नहीं कि मैं सब कुछ भूलते जा रही हूँ लेना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। पांडे जी रहते हैं तो बहुत कुछ याद दिलाते हैं, मेरे से अकेले थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ, क्या लूँ क्या नहीं लूँ सामान वामान। तो वो रहते हैं तो बच्चे तंग करते हैं, इसलिए आज मुझे अकेले ही रहना पड़ गया। तो देखती हूँ और कुछ ना भूल जाऊँ, वरना बोलेंगे क्या फ़ायदा निकला अकेले जाने का तुम्हारे। यूट्यूब की आपका नहीं, ओके मैं कोई बात नहीं।
मेरी शॉपिंग हो चुकी है, लेकिन शॉपिंग हो तो गई लेकिन मैं सामान नहीं ले जा पाऊँगी, सामान ज़्यादा हो गया, जो कि टू व्हीलर में जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न लेके आ गई हूँ लेके आ गई, जो टाइम पास करूँगी। पांडे जी अब गाड़ी लेके बच्चों के साथ आएंगे, अब वो आएंगे तब सामान जा पाएगा। पहले तो मैं बैग भूल गई, फिर बैग भूलने के बाद जब मैं सामान लेने गई तो वहाँ पे दाल भूल गई लेना, सब कुछ लिया और मैं दाल ही लेना भूल गई। तो फिर दाल वापस लास्ट टाइम में लेने गई, तो सब कुछ लेने के बाद जब मैं बाहर आई तो मैं सामान ही नहीं ले जा पा रही हूँ। तो फिर मेरे आने का मतलब क्या निकला मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि अकेले फिर मैं क्यों आई। जब वो बोल रहे थे कि अगर नहीं जा पाओगी तो मैं चलता हूँ, तो मैं उनको मना कर दी कि नहीं नहीं आप आराम कीजिए, मैं ले आऊँगी, आई विल मैनेज। लेकिन कोई मैनेज नहीं कर पाई मैं, कुछ भी नहीं तो अब मेरे को अफसोस होने लगा कि बल्कि मैं उनको बोल ही देती तो वो पहले ही आ जाते, इतना टेंशन नहीं होता फिर। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैं ले ली हूँ। पांडे जी को फ़ोन भी कर चुकी हूँ, अब वो आ रहे हैं लेने। अभी इसी के साथ मेरा सामान घर चला जाएगा और मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और प्लीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिए अगर मेरे से कुछ भी गलती हो रही है ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय।